हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक्स है वो बताऊंगा। इसमें हम टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रोसेस एंड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ऑल प्रोसेस, ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तीन तरीके के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारा मास ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें मास भी ट्रांसफ़र हो और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के एग्जांपल है पंप, टर्बाइन, कंप्रेशर्स। ठीक है, इनमें मास भी ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे चाय का कप है, उसमें चाय रखी है, तो आप थोड़ी देर बाद आओगे, देखोगे वो ठंडी हो गई। ठंडी होने का मतलब उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई और खुशबू भी आती है चाय की, तो इसका मतलब कुछ मास भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें मास भी एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोला जाता है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मास ना हो, उस सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलेंगे। जैसे आप एक क्लोज कंटेनर ले लो, क्लोज कंटेनर, उसमें चाय डाल दो, वो मेटेलिक है, तो थोड़ी देर बाद चाय ठंडी तो हो जाएगी, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन उसका मास ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि वो क्लोज्ड है, ऊपर से बंद है। ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलेंगे। इस फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और ना मास ट्रांसफ़र होगा, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स इज़ ए आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स में ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ना मास ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और दूसरा है थर्मस, परफेक्टली थर्मस, जिसमें थर्मस में अगर आप चाय रख दोगे तो वो थोड़ी देर बाद आओगे तो गर्म ही मिलेगी, इसका मतलब उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हुई और मास नहीं होगा क्योंकि वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये हमने तीन तरीके के सिस्टम इसमें देख सकते हैं। ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है जिसमें से मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र, ये क्लोज्ड है जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मास यहीं के यहीं रुक जा रहा है। आइसोलेटेड जिसमें ना तो मास ट्रांसफ़र हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, उस सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में। पहला देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस और एक होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये पांच तरीके की प्रोसेस हम पढ़ेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस होती है जिसमें ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र जीरो है, हीट ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा, ऐसी को बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है, नो चेंज इन वॉल्यूम। आइसोबारिक में प्रेशर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट और आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस थी। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबेटिक जो प्रोसेस होती है उसमें लगता है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। और पॉलीट्रॉपिक में पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी की पावर है, एन क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। गामा होता है, गामा की वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहती है 1.4। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब इसमें आइडियल गैस इक्वेशन कैसे वैलिड होती है वो देख लेते हैं। ये है देखिए, मैंने आपको बताया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस ये रही जिसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, वी इज इक्वल टू सी। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, पी इज इक्वल टू सी। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी की पावर
एन इज इक्वल टू सी, और एक और होती है एडियाबेटिक पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये पांच प्रोसेस। इसमें आइडियल गैस इक्वेशन जो लगी हुई है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये है आइसोकोरिक में ये वैलिड रहेगी पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। ये कैसे आया देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस ही बोल रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वी हमारा कांस्टेंट हो गया, एम मास ऑलवेज कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तीन कांस्टेंट हो गए। तो पी वी पी इज इक्वल टू सी टी कांस्टेंट, एक न्यू कांस्टेंट मैंने डाल दिया सी, तो सी को इधर ही रखो, टी को इसके नीचे ले आओ, पी अपॉन टी इज इक्वल टू सी, और दो पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा पी वन टी वन इज इक्वल टू पी टू टी टू, यही तो इक्वेशन देखिए ये वैलिड। ठीक है, तो ये पहली के लिए आइसोकोरिक के लिए वैलिड। अब आइसोबारिक के लिए भी निकाल सकते हैं हम, आइसोबारिक के लिए कैसे निकालेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये पी कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट है, मास आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू एक न्यू कांस्टेंट ऐड हो जाएगा सी टी, तो T को इधर ले आओ, V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दो पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, यही तो है देखिए ये री V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, यही तो थी। अब तीसरी देखिए आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, टेम्परेचर, तो ये तीनों कांस्टेंट हो गए, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट सी, तो दो पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। ठीक है, यही तो है देखिए पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। पॉलीट्रॉपिक के लिए मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए पॉलीट्रॉपिक के लिए ये इक्वेशन मैंने बताया कि पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ दो पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा पी वन वी वन की पावर एन इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर एन, ये रहेगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, तो देखिए ये री ये तो क्लियर हो गई है हमारी। अब दूसरी है टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन, और तीसरी है टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू की पावर एन माइनस वन, ये दोनों कैसे आती है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो, वी को इसके नीचे ले जाओ, एम आर टी अपॉन वी। ठीक है, अब वो जो इक्वेशन थी हमारी थी पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पॉलीट्रॉपिक के लिए, यहाँ पी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है पी की, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगी एम आर टी अपॉन वी, ये तो पी की वैल्यू मैंने रखी है ये, अब वी की पावर एन इसके साथ ऑलरेडी है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये एक v की पावर एक यहाँ है n यहाँ है, ये ऊपर चली जाएगी यहाँ प्लस है, तो v की पावर n माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर टी v की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू c। देखिए अब m कांस्टेंट r कांस्टेंट इन दोनों को c के नीचे ले आओ, ठीक है, तो ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, इसको m r को इसके नीचे ले आएंगे, तो t v की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दो पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी T1 V1 की पावर N माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की पावर N माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे T1 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1। ठीक है, T1 को इधर ले गया और V2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर N माइनस वन, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V
वन अपॉन वी टू, ये री इक्वेशन देखिए, ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी प्रूफ हो गई हमारी। सिमिलरली ये वाली भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इन इन दोनों से ये वाली भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इस वाली इक्वेशन से पी वन पी टू को इसके नीचे ले आओ, पी टू बराबर वी टू अपॉन वी वन की पावर एन, ठीक है। अब यहाँ देखिए वैल्यू रख दीजिए, यहाँ इस वाली इक्वेशन में इसको उल्टा कर लीजिए, तो ये उल्टा हो जाएगा पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू की पावर एन। अब ये जो पी टू अपॉन पी वन, ये इसके यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके ये जो इक्वेशन है मैंने बताया आपको, ये जो सारी इक्वेशंस हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ये आइसोकोरिक में ही लगेगी, आइसोबारिक में नहीं लगेगी। ये वाली जो है आइसोबारिक में लगेगी, आइसोथर्मल में नहीं लग सकती, या किसी और प्रोसेस में नहीं लग सकती है। और ये वाली आइसोथर्मल में लगेगी, ये जो है पॉलीट्रॉपिक में। सिमिलरली एडियाबेटिक के लिए सारी इक्वेशन से, यहाँ एन को रिप्लेस कर देना गामा से, सिर्फ ये काम करना है, जो ये एन है उसकी जगह गामा लगा देना, ये सारी एडियाबेटिक के लिए बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस थी, थैंक यू वेरी मच। और भी वीडियो अगर आप अपडेट आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।